नमस्कार, स्वागत है सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं आपके साथ अखिलेश आडी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी बनती नजर आ रही है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज में सोने और चांदी से। तो देख रहे हैं कि सोना आज $1800 की माफ कीजिएगा, देख रहे हैं सोना भी आज इंटरनेशनल मार्केट में $1800 के ऊपर ही सस्टेन होकर ट्रेड कर रहा है, $1815 पर है। मामूली सी करेक्शन है, हल्की सी गिरावट है। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर भी $22.09 पर ट्रेड करती नजर आ रही है। देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही आज लेवल्स ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। हालांकि सुबह के कारोबारी सत्र में हल्की सी मंदी बनती नजर आई है, लेकिन डॉलर में गिरावट का असर आज सोने चांदी की कीमतों पर पड़ता नजर आ सकता है। डॉलर में आज हमने गिरावट बनती देखी है, जिसकी वजह से हो सकता है कि सोना चांदी का जो बाजार है आज इंट्राडे में उठता हुआ नजर आ जाए। तो आज सोने चांदी का बाजार कैसा रहेगा, क्या लेवल्स रहेंगे, खरीदारी करनी चाहिए या बिकवाली, जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एम सी वी पर। शुक्रिया रूपा जी। देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर आज भी ठीक ठाक लेवल्स पर ट्रेड करते नजर आ रहे हैं, हालांकि लाल निशान पर है इंटरनेशनल मार्केट में, मामूली सी करेक्शन है। ऐसे में आपको क्या लगता है, डॉलर में जो गिरावट बनती नजर आई है उसका असर आज इंट्राडे में गोल्ड और सिल्वर के लेवल्स पर कितना देखने को मिल पाएगा? देखिए, आज सोने और चांदी के अंदर डॉलर के अंदर अच्छी खासी अपसाइड रैली आई है, जिसकी वजह से हल्का दबाव जो है वो फिलहाल देखने को मिल रहा है। और उसकी वजह से ही हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से एक हल्का सा प्रेशर विदेशी बाजारों में आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी भी सोना जो है वो $1800 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, बाजारों में पॉजिटिव रुझान है और अभी भी निचले स्तरों पर बाइंग इनिशिएट होती हुई नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि आज हल्की करेक्शन जरूर हो सकता है कि बनती हुई दिखाई दे, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। और मुझे लगता है कि सोना अभी आज इंट्राडे में 47,600 से लेकर 48,000 की रेंज में घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, यहीं से रूपा जी बात करेंगे क्रूड ऑयल की, तो कच्चे तेल में देख रहे हैं कि WTI $84 पर है, 0.25% की तेजी है। ब्रांड क्रूड ऑयल $87 पर है, 0.25% की तेजी। रूपा जी लगातार देख रहे हैं कि कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। रूपा जी आपको क्या लगता है, क्या कच्चे तेल में जो तेजी बन रही है क्या वो जस्टिफाइड है, क्योंकि खबरें तो ऐसी निकल के सामने आ रही कि चाइना ल्यूनर न्यू ईयर पर फरवरी में कच्चे तेल के रिजर्व्स रिलीज करने वाली है। US भी यही कर रहा है, समर्थन कर रहा है इस बात का भी। दूसरा खबरें ये भी हैं कि कच्चे तेल में जो लॉन्ग की पोजीशन है वो कट ऑफ होती हुई नजर आई है, प्रॉफिट बुकिंग भी हमने देखी है कच्चे तेल में लॉन्ग पोजीशंस में। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या कच्चे तेल में ये तेजी जस्टिफाइड है और क्या आगे कच्चे तेल का बाजार तेजी की ओर ही रहने वाला है? देखिए, अभी तो फिलहाल बाजार तेजी की तरफ ही रहने वाला है और आप देखिए 6300 के ऊपर कच्चा तेल निकल चुका है, $85 पर कारोबार करता है, बेहद करीब हमें विदेशी बाजारों में देखने को मिल रहा है, $84 के ऊपर है बाजार। तो ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है और जिस तरीके से डिमांड और सप्लाई का मिसमैच है वो काफी सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से कच्चे तेल के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। और दूसरा, मिडल ईस्ट कंट्रीज के अंदर टेंशन काफी बढ़ती जा रही है, जो कि 7 ईयर के हाई पर पहुंच चुकी है प्राइसेस को लेकर। तो अभी मुझे लगता है कि प्राइसेस जो है वो काफी अपसाइड में बने रह सकते हैं, क्योंकि सप्लाई डिस्टर्ब काफी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से तेजी बनती हुई देखने को मिल रही है। यूनाइटेड अरब की बात करें तो वहां पर भी काफी ज्यादा सप्लाई को लेकर डिस्टर्बेंस है, जिसकी वजह से कच्चे तेल को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और कच्चा तेल लगातार तेजी की तरफ है और $85 का फिलहाल कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, तो रूपा जी के मुताबिक कच्चे तेल में जो सप्लाई है वो डिस्टर्ब है, सप्लाई और डिमांड का जो मिसमैच हो देखने को मिल रहा है, उसके चलते कच्चे तेल की कीमतों में ये बढ़त अभी कुछ समय तक और जारी रह सकती है, ऐसा रूपा जी का मानना है। यहीं से रूपा जी बात करें अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स देख रहे हैं कि कॉपर $4.4 पर इंटरनेशनल मार्केट में लाल निशान पर है, MCX निपर निकल 1648 पर है, MCX जिंक 288 पर और MCX लेड 189 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, बेस मेटल्स में जो आज तेजी बनती नजर आई है, क्या ये इस कारोबारी सप्ताह और तेजी देखने को मिल पाएगी बेस मेटल्स में, क्या बेस मेटल्स के लिए कारोबारी सप्ताह अच्छा रहने वाला है?
देखिए बेस में तो वही तेजी का ही रुझान है और ये वाले कारोबारी सप्ताह में भी एक पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यूशन में रह सकता है। अभी फिलहाल बेस मेटल के अंदर 743-744 के आसपास हम देख रहे हैं कॉपर ट्रेड करता हुआ, इसमें भी ऊपरी स्तर जो है वो 760 तक मैक्सिमम तेजी बन सकती है। वहीं निकल की बात करें तो निकल में भी 1680 तक ऊपर जा सकता है और बाजार जो है देखिए लगातार तेजी के ऊपर है। मैंने पहले भी बताया था कि निकल में अच्छी रैली आ सकती है 1600 के ऊपर के बाद, निकलने के बाद आप देखिए इसमें 47 रुपए का अपसाइड मोमेंटम बन चुका है। अब यहाँ से 4760 से लेकर 1680 तक, यानी कि 1660 से लेकर 1680 तक की एक अपसाइड रैली बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसके चलते अभी भी इसके अंदर बाइंग आती हुई नजर आ सकती है। जी ये सर जी बात करें अगर नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस में देख रहे हैं कि $4.4 से नीचे स्लिप हुई है, $4.2 पर ट्रेड करती नजर आ रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या नेचुरल गैस में आगे अभी मंदी बनती नजर आ सकती है, क्या वेदर कंडीशंस ज्यादा स्ट्रांग नहीं देखने को मिल रहे हैं जिसकी वजह से नेचुरल गैस में हम ये मंदी देख रहे हैं? देखिए नेचुरल गैस में अभी वेदर कंडीशंस को लेकर थोड़ा सा बाजारों में उठाव जरूर देखने को मिला है और प्राइजेस के अंदर हमने पिछले कुछ दिनों में एक अच्छी खासी तेजी भी आते हुए देखी है और उसी की वजह से हम देख रहे हैं कि बाजार ऊपरी स्तरों पर सस्टेन करता हुआ भी दिखाई दिया है और 318 के ऊपर है। अब यहाँ पर जो तेजी है वो 13320 तक जाती हुई फिलहाल दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी आज के लिए आप टॉपिक्स क्या देना चाहेंगे नॉन एग्री कम्युनिटीज में जिसमें अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए अभी तो फिलहाल बेस मेटल्स और क्रूड ही ये दो कमोडिटी ऐसी हैं जिसके अंदर मुनाफा कमाकर चला जा सकता है। मुझे लगता है कि इनके अंदर अभी भी अपसाइड मोमेंटम बाकी है। निकल के अंदर एक अच्छी खासी रैली 1660 से 1680 तक बनी रह सकती है, इसमें बाय किया जा सकता है। वहीं क्रूड की बात करें तो क्रूड भी 1360 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज की।